Hello guys, good morning. Welcome back to the Vedant Education. This is class 12 science chemistry. Diwali ke baad ki ye pehli class hai, pehla lecture hai. Hopefully aapne acche se Diwali celebrate ki, safely celebrate ki aur patake kam se kam chalaye ya nahi chalaye, hai na? In favor of the nature and in favor of the ourselves. Nahi to police pakad leti, hai? Khareedte ya chudate to. चलिए एनीवेज चलिए वापस से हम शुरू करते हैं हमारी क्लासेस और वापस से आप लोग लग जाइए. आपने जो रेस्टिंग मोड में थे उसमें से वापस एक्टिव मोड में आ जाइए और वापस से पढ़ाई शुरू कीजिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं. हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर चल रहा था, ग्रुप 16 की हम बात कर रहे थे. उसमें उसके ऑक्सीजन के एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन फैमिली की हम बात कर रहे थे. उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था हुई, उनका इंट्रोडक्शन हुआ, उनकी उपलब्धता हुई, उनकी अभिक्रियाशीलताएँ हुई, ऑक्सीजन की असंगत व्यवहार हुए, ऑक्सीजन का एक रूप O2 डाइऑक्सीजन हमने पढ़ लिया था. ठीक है, यहाँ तक की हमने बात कर ली थी. नाउ वी टॉक अबाउट द सिंपल ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइडों की मैं बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट सामान्य ऑक्साइड. ओके, सामान्य ऑक्साइड देखिए. देखिए होते क्या है सामान्य ऑक्साइड. किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का द्विअंगी यौगिक क्या है ये द्विअंगी यौगिक क्या है? ऑक्साइड है. अच्छा, एक एक्सेप्शन मैं देता हूं, लेकिन किसके साथ? फ्लोरीन के साथ यह फ्लोराइड. इसको क्या बोल रहे हैं? फ्लोराइड होता है. ध्यान देना इस बात पे, मैं एग्जांपल लिख के दूं आपको. OF2, आपने कहा कि भैया किसी और एलिमेंट के साथ में जैसे ही आप ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो द्विअंगी यौगिक होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइड बोलेंगे. लेकिन अगर मैं इसको फ्लोरीन के साथ जोड़ता हूं तो ये फ्लोराइड कहलाएगा, ना कि ऑक्साइड कहलाएगा. बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो ज्यादा ऋणी होता है, इलेक्ट्रोऋणी होता है, विद्युत ऋणी होता है, उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और जिस पे माइनस चार्ज आता है उसी पे तो आइड लगता है. तो अब यहां पे ऑक्सीजन पे माइनस ना करके किस पे आएगा? फ्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है. इसीलिए मैं इसको ऑक्साइड ना कहके ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलूंगा. तो ये बात आप बहुत अच्छे से दिमाग में आपके होगी भी, आई होप. देखिए, वेरी सॉरी. देखो, ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सामान्य भी होते हैं और एक कैसे होते हैं? मिश्रित भी होते हैं. ठीक है, मिश्रित ऑक्साइड भी होते हैं. तो देखते हैं कि ये क्या चीज है. सामान्य ऑक्साइड क्या होते हैं? एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था जो परिवर्तनशील नहीं है. ठीक है, यहां पे देखिए, पहली बात तो वो क्या है? परिवर्तनशील तथा क्या है? विषम ऑक्सीकरण अवस्था. अगर किसी ऑक्साइड के अंदर परिवर्तनशील और विषम ऑक्सीकरण अवस्था है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित ऑक्साइड बोलेंगे. जैसे लेड के साथ में मैंने ये लिखा, जैसे आयरन के साथ में भी मैंने इस टाइप का ऑक्साइड लिखा. देखिए, 4 × 8 -8 को आप 3 फ्लोरी आयरन में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 से भी ज़्यादा आ जाएगा ना. तो पॉइंट्स के अंदर आ रही है तो विषम हो गई. इसमें भी कुछ ऐसा ही है. और ये परिवर्तनशील है, Fe2O3 भी होता है, Fe3O4 भी होता है. तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? मिश्रित ऑक्साइड बोल रहे हैं. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा MgO लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Na2O लिखा, तो ये क्या है? सामान्य ऑक्साइड है. यहाँ पे ये +2 है, यहाँ पे ये +1 है. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तनशीलता नहीं है और एक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इसकी प्राप्त हो रही है. तो ये सामान्य और ये क्या है? मिश्रित ऑक्साइड होते हैं.
ठीक है। अच्छा देखो, सामान्य ऑक्साइड जो हैं उनको हम कैसे बोल सकते हैं, इनको आप दो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। इनको आप अम्लीय भी बोल सकते हो, इनको आप क्षारीय ऑक्साइड भी कह सकते हो, इनको आप उभयधर्मी भी कह सकते हो, उभयधर्मी ऑक्साइड भी कह सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हमने बोला अम्लीय की बात करते हैं, हम अम्लीय ऑक्साइडों की बात करते हैं। अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं, वे जो क्या करेंगे, जल के साथ, वाटर के साथ क्या देते हैं, अम्ल देते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो जल के साथ रिएक्ट करके क्या दे दे, ऑक्साइड दे दे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, उनको क्या कहेंगे, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जनरली कौन होते हैं ये, सामान्यतया अधातु के ऑक्साइड। अरे बच्चों, मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये बात, क्या चीज, क्या ट्रिक बताई थी मैंने, मैंने बताई थी कि धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, और अधातु का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। तो हमने कहा कि भाई वो जो जल के साथ अम्ल देंगे वो अम्लीय, तो कौन देंगे, देखिए अधातु के, जैसे मैंने कहा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरेट्स हो गए, है ना, नाइट्रोजन का पेंटाऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, क्या है, देखो अधातु के ऑक्साइड हैं। तो ये श्योरली जल के साथ आप इनको रिएक्ट करेंगे तो क्या दे रहा है, देखिए H2CO3, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, इसको कहते हैं, क्या कह रहे हैं गाइज, इसको कार्बोनिक अम्ल कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, दूसरा मैं बोलता हूँ क्षारीय ऑक्साइड की मैं बात करता हूँ। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड कौन होते हैं, वे जो जल के साथ क्षार देते हैं, और सामान्यतया ये कौन होते हैं, सामान्यतया ये कौन होते हैं, धातु ऑक्साइड। अगर आप देखेंगे कि अम्लीय कौन है, अगर सामान्यतया अधातु के ऑक्साइड है, तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतया क्या होंगे, क्षारीय होंगे। जैसे मैं लिखता हूँ MgO लिख सकता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकता हूँ, सोडियम ऑक्साइड लिख सकता हूँ, ये सब क्या है, धातु के ऑक्साइड है। और आप रिएक्ट करवा के देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है। देखिए जरा, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बच्चों, एक क्षार है। तो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय चूना पत्थर होता है, पत्थर नहीं बोल रहा हूँ, वो तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, चूना जो होता है जिसको पानी में डालते गर्म हो जाता है और वो घुलने लगता है, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस बना लेता है। ठीक है, तो ये है धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, क्षार है, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे धातु के ऑक्साइड भी होंगे बच्चों, जो क्या करते हैं, वो आप देखोगे तो वो अम्लीय हो जाएंगे। बहुत ही सही तरीके से देखना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ कि अधातु के ऑक्साइड, ये जो अधातु के ऑक्साइड हैं, ये क्या है हमारे पास, क्षारीय प्रवृत्ति के हैं। कैसे हैं ये, अम्लीय प्रकृति के हैं, लेकिन और धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, लेकिन हमारे पास में कुछ धातु ऑक्साइड क्या होते हैं। अब यहां देखना, मैंने एक चीज लिखना है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले, ऐसे धातु ऑक्साइड जिसमें उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, उच्च है, वो धातु के ऑक्साइड होकर क्षारीय नहीं होंगे। वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जरा देखिए कौन से, जैसे Mn2O7, Cr2O7, है ना, जैसे V2O5, ये सभी क्या हैं, देखो
यहाँ पे प्लस सेवन स्टेट है, यहाँ पे प्लस सिक्स है, यहाँ पे प्लस फाइव है। तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड तो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं ना, अभी अभी हमने देखा और याद भी किया हुआ है हमारा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब अगर धातु के ऑक्साइड में ऑक्सीकरण अवस्था उच्च है, तब उस केस में वो क्या हो सकता है, उस केस में वो क्या हो सकता है, अम्लीय हो सकता है। तो ये कुछ अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बोलिए, बात समझ में आई? तो अब तक हमने क्या देखा, दो कैटेगरी देख ली है, अम्लीय और क्षारीय धातु ऑक्साइडों की हमने बात कर ली है, उसके अंदर एक एक्सेप्शन की भी बात की। ठीक है, चलो आगे देखिए। इसके अंदर एक तीसरा हमने कैसा बोला था, थर्ड हमने बोला उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, जिसको मैं कह रहा हूं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की मैं बात कह रहा हूं। ओके गाइस, क्लियर है? देखो, वे ऑक्साइड, या मैं लिखूं ये ऑक्साइड अम्ल व क्षार दोनों की भांति, व्यवहार करते हैं। कैसे काम करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। बहुत ही सिंपल और सुंदर एग्जांपल इसका Al2O3 है। अगर मैं इसको HCl से रिएक्ट कराऊंगा तो भी ये कर जाएगा, NaOH से रिएक्ट कराऊंगा तो भी ये कर जाएगा। अगर HCl एसिड है तो उससे रिएक्ट करने वाले ऑक्साइड को मैं क्या बोलूंगा, बेस बोलूंगा। तो यहाँ पे ये HCl के साथ तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर मैं बेस से रिएक्ट करा रहा हूँ इसको, तो ये कैसा है, एसिड है। तो ये अभी ये कैसा बिहेव कर रहा है, एसिडिक रोल में है ये। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस है, वाटर की प्रेजेंस है, रिएक्ट कराओगे तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा गाइस। ठीक है ना, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और इसको आप रिएक्ट कराओगे तो भी एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन बस फर्क ये रहेगा कि यहाँ पर ये इस टाइप से थोड़ा सा फर्क ये आ जाएगा कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स देखो कैसा है, प्लस थ्री, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, है ना, माइनस थ्री। ठीक है, अब देखिए, तो आपको समझ में आया, वही Al2O3, वही Al2O3 है, एलुमिना इसको कहते हैं। ये क्या है, एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, जैसी जरूरत पड़ी वैसे वो बन गए, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एम्फोटेरिक उभयधर्मी ऑक्साइड, इनको कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं, उदासीन भी होते हैं, आप जानते होंगे उदासीन ऑक्साइड भी आप लोग जानते होंगे। उदासीन ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो ना तो अम्ल से रिएक्ट करते हैं ना क्षार से रिएक्ट करते हैं, और आप लोगों ने देखे भी होंगे बहुत सारे। कब देखे होंगे, हमने जब क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े जब हमने कुछ ऐसे बात किए थे, जैसे CO, इसको हमने क्या बोला था बच्चों, कार्बोनिल इसको बोला था, है ना, जैसे NO बोला था, नाइट्रोसिल हमने कहा था। ठीक है, जैसे आप N2O भी पड़े हुए हो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, तो ये सब क्या है, ये उदासीन ऑक्साइड होते हैं। उदासीन ऑक्साइड का मतलब क्या है, ये ना तो अम्ल से रिएक्ट करेंगे ना क्षार से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सिंपल ऑक्साइड्स को हमने एसिडिक बोला, लगभग सामान्यतया नॉन मेटल्स होते हैं, हमने उनको क्षारीय भी बोला, सामान्यतया धातु के ऑक्साइड होते हैं, जल के साथ क्षार देंगे, अम्लीय को क्या देंगे, जल के साथ अम्ल देंगे। उभयधर्मी भी होते हैं, जो दोनों तरीके से काम करते हैं, अम्ल भी बन जाते हैं, क्षार भी बन जाते हैं, सामने वाले पर डिपेंड करता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो उदासीन है, ना अम्ल है ना क्षार है, और ये क्या होते हैं, ये कार्बोनिल हुआ, नाइट्रोसिल हुआ, और N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, ये भी क्या करते हैं एक तरीके से, ये तीनों ही क्या है, उदासीन प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हुआ, सिंपल ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं। और अब इसमें हम लेकर के चलते नया टॉपिक, जो है ओजोन। चलिए अब अपन बात करते हैं ओजोन की। देखिए, ओजोन आप लोग फैमिलियर होंगे, ओजोन को जानते होंगे कि ओजोन क्या चीज़ है, कहाँ होती है, आप 10th क्लास तक अपन इसको पढ़ के आते हैं। ओजोन जो है, O3 इसका फॉर्मूला है। ओजोन एक तरीके से ऑक्सीजन का ही अपर रूप होता है। ठीक है, देखिए यह है ऑक्सीजन का अपर रूप,
होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है O2, ऑक्सीजन का बॉन्डिंग कैसा होता है, इस टाइप का होता है, और ओजोन का बॉन्डिंग कैसा होता है, इस टाइप का ओजोन का होता है। तो सिंपली क्या है, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जो ऑक्सीजन का जनरल फॉर्मेट है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़े हुए हैं, इसको अपन इसका अपर रूप बोल रहे हैं, ठीक है। तो ओजोन क्या है, इसका ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप होता है, ठीक है। और अगर अपन इसमें सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करें तो समुद्र स्तर पर अगर आप देखें, समुद्र स्तर पर यह है अधिक समय तक रक्षित रहती है, ठीक है। अच्छा देखिए, एनवायरनमेंट के अंदर ओजोन कहाँ होती है ये आप लोग जानते होंगे, थिंक सिंपल इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं इसको बार बार। तो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है, पृथ्वी से 20 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत के रूप में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन परत। तो क्या है वो, ओजोन परत होती है, ठीक है। ये क्या करती है ओजोन परत, जो यूवी से रक्षा करती है, है ना। जैसे सूर्य है, सूर्य से ओजोन और यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जिसको पराबैंगनी कहते हैं वो, और उसके अलावा भी कई हानिकारक किरणें आती हैं, तो उनको वो ओजोन परत जो है वो अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर नहीं आने देती है, तो उससे रक्षा करती है। यहाँ पर इसका निर्माण कैसे हुआ, ओजोन का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ वातावरण की जो ऑक्सीजन है ना, वातावरण की ऑक्सीजन से क्या होता है, इसका निर्माण होता है, यह है O2 से निर्मित होती है। अच्छा, अब ये इससे निर्मित होने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी भी चाहिए। वहाँ पर एनर्जी कहाँ से आती है, किसकी उपस्थिति में, उपस्थिति किसकी है, सूर्य किरणों की उपस्थिति में। जैसे यूवी रेज इसने क्या किया, अवशोषित की, तो यूवी क्या है, एक रेडिएशन एनर्जी है, एक तरंग ऊर्जा होती है, सूर्य की प्रकाश में क्या होती है, तरंग ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का अवशोषण करके जो वातावरण की ऑक्सीजन है उसी से क्या बन जाती है, ओजोन का निर्माण हो जाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये तो हुआ ओजोन का सिंपल इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं इसके, ओजोन से अपन स्टार्ट करते हैं इसके प्रिपरेशन की, कि लैब में हम इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए निर्माण यह है O2 के विद्युत, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यह है O2 के विद्युत डिस्चार्ज पर प्रभाव से निर्मित होती है, जो कितनी है, 10% है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, विद्युत की उपस्थिति में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को फ्लो करते हैं, तो क्या बनता है, ओजोन बनता है। अब इसको बैलेंस करना, कभी भी अगर दो चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे हैं और उनका जो स्टोइकियोमेट्री है वो अलग अलग है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके 2 को इसके साथ और इसके 3 को इसके साथ, ये इसकी ओजोन की बैलेंस्ड इक्वेशन है। और इसका जो डेल्टा एच होता है गाइस, वो कितना होता है, 142 किलो जूल्स पर मोल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें एनर्जी दे रहे हैं। एक कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की फॉर्म में एनर्जी हम दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये ऊष्मा या ऊर्जा, ऊष्मा अवशोषी, कैसी अभिक्रिया हो गई है, ऊष्मा अवशोषी हो गई, क्षेपी नहीं है, सोसी है, ठीक है, एंडोथर्मिक एनर्जी। ये बात समझ में आई, ये रिएक्शन समझ में आई। अच्छा देखिए, इसको और ज्यादा सांद्रित कर सकते हैं, सांद्रण किससे कर सकते हैं, ओजोनाइजर से इसका क्या हो सकता है, सांद्रण हो सकता है, ठीक है, 10% तक, और अधिक 10% तक आप इसका क्या करते हैं, सांद्रण करना चाहते हैं, तो ओजोनाइजर की सहायता से आप इसका सांद्रण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में या इस मेथड के अंदर ओजोन को सीधे तौर पर हम बहुत ज़्यादा सांद्रित अवस्था में
निर्मित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और विस्फोटक का रूप धारण कर लेती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले 10% है, फिर और 10%, फिर और 10%, ऐसे करके लास्ट में इसका क्या कर लेते हैं, आसवन करके, संघनन करके इस ओजोन का द्रव प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ओजोन? ठीक है, अब देखिए इस ओजोन के बारे में अगर हम निर्माण के बाद में अगर बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात आती है। ठीक है, और इसके प्रॉपर्टीज़ में सिंपली अगर आप देखें कि भौतिक गुणों की हम बात करते हैं, देखिए गुणधर्म की बात करें, गुणधर्म के अंदर क्या है, यह है एक, पीली नीली गैस, अगर ये गैस के रूप में है तो कैसी है, ये पीली नीले रूप में है। अगर यही कैसे रूप में है, अगर ये द्रव के रूप में है तो ये कैसी हो जाएगी, ये गहरी गहरा नीला द्रव है। और यही अगर ये ठोस के रूप में हो जाएगी तो गाइस ये कैसी होती है, काला बैंगनी बैंगनी ठोस। अब देखिए तीनों अवस्थाओं में आप इसकी बात करेंगे ओजोन की, तो ओजोन क्या है, अगर गैस के रूप में है तो पीले नीले रूप में होती है, अगर यही किस रूप में है, द्रव के रूप में, तो गहरी नीली हो जाएगी, और अगर यही क्या है, ठोस के रूप में है, तो काला बैंगनी ठोस बन जाता है ओजोन। तो ओजोन की ये क्या है, भौतिक गुणधर्म है। अच्छा देखिए ओजोन को आप देखेंगे तो क्या ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल होती है, क्या नुकसानदायक होती है, ठीक है, क्या विषैली होती है? तो हम इसमें एक सिंपली एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं कि अगर इसकी सांद्रता कम है, हैं सूक्ष्म सांद्रता के बात करें तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, हार्मलेस होती है, सुरक्षित है। लेकिन अगर इसकी सांद्रता हम बढ़ा देते हैं, लगभग 100 ppm से भी ज़्यादा कर देते हैं, तो ये क्या कर सकती है, ह्यूमंस के अंदर बीमारियाँ या अनकम्फर्टेबल असहजता उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, देखिए कम सांद्रता में यह है मानव के लिए सुरक्षित है, लेकिन लेकिन अगर आप बात करते हैं 100 ppm की, 100 ppm से अधिक, सांद्रता पर यह असहजता उत्पन्न करती है, ठीक है, जिसमें हेडेक हो सकता है, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, उल्टी, सिरदर्द, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो साधारण सी बातें हैं कि क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ऐसा उत्पन्न कर सकती हैं। समझ में आ गई क्या आपको बात, ठीक है, ये हुआ इसका सिंपल गुणधर्म है, इसके भौतिक गुणधर्म हो गए, और मानव के लिए ये कितनी खतरनाक है और कितनी सही है उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन ये करने वाले हैं कि एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि बताइए ऑक्सीजन और ओजोन में से ऊष्मा गति के रूप से ज़्यादा स्थाई कौन है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब अपन इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन ऊष्मा गति के रूप में ओजोन से अधिक स्थायी होती है। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब यह है कि अगर आपने क्या किया, ओजोन और ऑक्सीजन को साम्यावस्था में रखा हुआ है तो वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा स्थायी है। देखो मेरे पास दो रिएक्शंस हैं, एक तो मैं कहता हूं कि आपने ये कहा कि भैया ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो सकती है, ओजोन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इसका रिएक्शन कैसा है, डेल्टा एच इक्वल्स टू कितना था, +142 किलो जूल पर मोल। ये कैसी थी, ये कैसी थी, ऊष्मा शोषी प्रकार की थी।
ठीक है, यही था। अच्छा दूसरी, मैं कहता हूँ कि भैया अगर मैं ओजोन को वापस से ऑक्सीजन में डिकम्पोज करना चाहूँ, अगर मैं ओजोन को वापस इसमें तोड़ना चाहूँ, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना हो जाएगा? अगर ये ऑक्सीजन से ओजोन में 142 किलो जूल एनर्जी को अवशोषित कर रहा है, तो वापस ओजोन से ऑक्सीजन में जाएंगे तो उसको उत्सर्जित कर देगा, उत्सर्जित कर देगा तो डेल्टा एच नोट क्या आ जाता है बच्चों? नेगेटिव आ जाता है। तो उतना ही जितना इसमें इधर आने में अवशोषित किया था, उतना वापस इधर आने में क्या कर देगा? उत्सर्जित कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव 142 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ये उष्मा शोषी है तो माइनस उत्सर्जन हो जाएगा, तो उष्मा क्षेपी हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये दो चीजें हैं हमारे पास। ये दो रिएक्शंस को देख करके हम यहां पे एक्सप्लेनेशन देंगे कि अब हम ऑक्सीजन को ज्यादा स्थायी क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक मैं छोटी सी चीज आपको इससे पहले बताता हूं कि किसी भी रिएक्शन की कंपैटिबिलिटी, कि ये कंपैटिबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है, कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इस चीज का निर्धारण हम किससे करते हैं? वो क्या होता है? हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण आप लोग जानते होंगे। डेल्टा जी गिब्स फ्री ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, उसका एक सूत्र होता है और उसके मान के आधार पर हम किसी भी रिएक्शन के होने और नहीं होने, स्वतः होने और नहीं होने को निर्धारित करते हैं। देखिए डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है गाइस, तो अभिक्रिया कैसी होती है? स्वतः अभिक्रिया होती है, समझ रहे हैं? और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो अभिक्रिया कैसी होती है? अस्वतः होती है, मतलब अभिक्रिया होगी ही नहीं, है ना? अपने आप नहीं हो रही तो अभिक्रिया होगी नहीं, और फिर भी आपको अगर अभिक्रिया करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जिस अभिक्रिया का डेल्टा जी पॉजिटिव है, उस अभिक्रिया को करवाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं अब इन दोनों रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी देख लूं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी रिएक्शन अपने आप होगी और किस रिएक्शन में हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। हालांकि वो चीज़ तो आप देख सकते हैं, देखो इसमें ऊर्जा दे रहे हैं ना हम, इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती। ओजोन ऑक्सीजन से अपने आप नहीं बन सकता, ऊर्जा लेके ही तो बनेगा। यहाँ तो ये ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है, मतलब अपने आप हो रहा है, तो ऑक्सीजन तो अपने आप बन रहा है, इसका मतलब ज़्यादा स्थायी तो यही है, इसीलिए तो ये आसानी से बन रहा है। समझ में आ रही है बात, है ना? जैसे आपको दो जगह हैं, दो जगह में से आप जिस जगह पे कंफर्टेबल हैं वहाँ पे अपने आप चले जाएंगे, और जिस जगह पे नहीं है कंफर्टेबल वहाँ पे आपको कहने पे जाएंगे आप। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्थाई कौन सी हुई? जहाँ कंफर्टेबल है। तो ज़्यादा स्थाई कौन हुआ? जो अपने आप हो रहा है। ज़्यादा स्थाई ऑक्सीजन है क्योंकि अपने आप बन रहा है। ऑक्सीजन से ओजोन जो बन रहा है उसके लिए ऊर्जा देनी पड़ रही है उष्मा शोषी, लेकिन ऑक्सीजन का कन्वर्जन वापस से हो रहा है वो उष्मा क्षेपी है, मतलब ये तो अपने आप हो रहा है। तो ज़्यादा स्थाई कौन हुआ? ऑक्सीजन। अब हम इसको इस रूप में एक्सप्लेन करेंगे कि भैया डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वो क्या होगी? अपने आप होगी, ज्यादा स्थायी उत्पाद ज्यादा स्थायी होगा। इसका उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। इसके लिए देखना जरा, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, इसका डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है, ठीक है ना? ये नेगेटिव हो गया गुना इसका, ये बीच का नेगेटिव हो गया गुना, यहां पे टी कैसा है? पॉजिटिव। और एस कैसा है? डेल्टा एस, देखो एंट्रोपी, डेल्टा एस एंट्रोपी कैसी है? इसकी एंट्रोपी जो है वो क्या है? पॉजिटिव में है। और इसकी एंट्रोपी जो है वो कैसी होती है? नेगेटिव। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखो बच्चों, एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है किसी भी तंत्र के अंदर कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, अव्यवस्था है, समझिएगा। जैसे किसी भी क्लास की आप बात करेंगे तो जब तक टीचर क्लास में है तब तक बच्चे चुपचाप शांति से बैठे हैं, व्यवस्थित रूप में बैठे हैं, ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी कम है। टीचर को बाहर जाते बच्चे हा हल्ला शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, वो एंट्रोपी बढ़ जाती है, अव्यवस्था बढ़ जाती है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर अव्यवस्था ज़्यादा है तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, और अव्यवस्था नहीं है, वो क्लास, वो सिस्टम क्या है? व्यवस्थित है, तो उसकी एंट्रोपी क्या रहेगी? कम रहेगी। समझ में आ रही है क्या आपको बात? तो देखिए, अब आप जरा देखिए दोनों रिएक्शंस के अंदर कि एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए। भैया जिसमें गैस के अणु ज़्यादा हैं वो ज़्यादा अव्यवस्थित होंगे, हैं, सिंपल सी बात है, तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। देखो पहले इसमें कितने मोल थे? 2 मोल थे, और अब कितने हो गए? 3 मोल हो गए। तो उत्पाद के अंदर क्या हो गए? गैस के कणों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा भागेंगे इधर उधर, ज़्यादा अव्यवस्था मतलब एंट्रोपी ज़्यादा।
तो डेल्टा एस कैसे निकालूंगा मैं, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, एस अंतिम माइनस एस प्रारंभिक, एस अंतिम बढ़ गया तो ज़्यादा में से कम को माइनस करूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ देखो पहले 3 मोल थे, अब 2 मोल हो गए, कम हो गए, इसका मतलब थोड़े व्यवस्थित हो जाएंगे, तो अंतिम अवस्था की एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, तो कम में से ज़्यादा को माइनस करूंगा तो नेगेटिव आएगा। तो आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन से ओजोन के लिए जाओगे तो एंट्रोपी नेगेटिव, और ओजोन से ऑक्सीजन के लिए जाओगे तो एंट्रोपी पॉजिटिव है। Are you getting the point? ठीक है, अब देखो, अब अपन इस रिएक्शन के लिए, दोनों रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी देखते हैं, जिसका नेगेटिव है डेल्टा जी उस रिएक्शन का प्रोडक्ट ज्यादा स्थाई होगा। चलो जरा गौर कीजिएगा, मैंने कहा कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव में है, तो डेल्टा एच नेगेटिव गुणा ये माइनस गुणा टी कितना है पॉजिटिव, और डेल्टा एस गुणा करके मैं क्या लिख दूं पॉजिटिव लिख दूं, प्लस गुणा प्लस क्या होगा प्लस, और इसका प्लस देखो माइनस गुणा माइनस गुणा प्लस, प्लस माइनस 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 गुणा माइनस, और इसके अंदर सिंपली आप क्या देखेंगे डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव। कैसे आएगा नेगेटिव वो देखिए आप थोड़ा सा इसमें देखो क्या होने वाला है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, और चलिए पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ, थोड़ी देर इसको रोक के रखिए, इसको रोक लीजिए। यहाँ पे देखिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो डेल्टा जी जो है इट्स कन्वर्जन इनटू ऑक्सीजन क्या देगा, नेगेटिव एनर्जी ऑक्सीजन में कन्वर्जन, इसके अंदर नेगेटिव आएगी इसमें पॉजिटिव आएगी। देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना। अब देखो एस डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, और इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मैं क्या लिख दूं डेल्टा एच माइनस टी प्लस डेल्टा एस, ऐसे कर दूं क्या, ऐसे कर दूं, हो सकता है क्या, क्योंकि देखो बाहर माइनस है तो अंदर प्लस कर दिया है मैंने, इस टाइप से मैंने इसको कर दिया। आप देख लो, आप जरा आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है तो प्लस में से ये प्लस माइनस आप डिक्रीज करोगे तो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, प्लस आ रही है ना, तो क्या आ रहा है डेल्टा जी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, इससे आप पहचान लीजिए। यहाँ पे देखो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू कितना है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ बाहर बाहर क्या है माइनस है, तो इसको मैंने लिखा डेल्टा एच माइनस, ब्रैकेट को मैं खोल दूं तो ये तो हो गया माइनस का, और डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को भी मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया। समझ में आ रही है बात, अभी देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया ना, ये मान लो ये कितना है 12, ये कितना है 8, ये कितना है 8, तो 8 और 8 16, माइनस का कितना हो गया 16, अल्टीमेटली इट गिव्स नेगेटिव वैल्यू। समझ में आ रही है क्या आपको बात, आपको बात समझ में आ रही है क्या, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा स्थाई होगा, अतः यहाँ उत्पाद कौन है, ऑक्सीजन अधिक स्थाई है, अधिक स्थाई, बोलो चीज समझ में आई कि नहीं आई, तो वो कम स्थाई है मतलब ओजोन कम बनेगा ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा, इसलिए ओजोन और ऑक्सीजन में क्वेश्चन आपको पूछ ले तो आपको कहना है कि इन दोनों में से ऑक्सीजन ऊष्मा गति की रूप से ज्यादा स्थाई है। कारण क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन निर्माण की अभिक्रिया, ध्यान देना यह है ऑक्सीजन निर्माण की अभिक्रिया, या इसको आप बोल सकते हो ओजोन अपघटन की अभिक्रिया में डेल्टा जी नेगेटिव है, इसलिए ये स्वतः होगी और उत्पाद स्थाई होगा जो कि कौन है ऑक्सीजन, जबकि ओजोन निर्माण की अभिक्रिया का उत्पाद ओजोन है उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, वो स्वतः नहीं हो सकती, इसलिए ये कम स्थाई है। और वो तो दिख भी रहा है ना कि ये रिएक्शन का निर्माण कैसे हुआ था, हमने क्या किया था, इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया था, एनर्जी दी थी, जबी तो ये बना था, है ना, तो ये एनर्जी लेके बन रहा है, इसका मतलब स्थाई हो ही नहीं सकता, ये स्थाई होता तो अपने आप ही बन जाता, ये स्थाई अपने आप हो रहा है। ओके, तो आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके, और आप ये भी आप ये देख सकते हैं कि भैया ओजोन कम स्थाई है, इसका एक सबूत ये भी होता है, प्रमाण ये भी होता है कि भैया अगर ओजोन की आप सांद्रता बहुत ज़्यादा कर दोगे, ओजोन की अगर सांद्रता बहुत ज़्यादा हो गई तो ओजोन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ धमाके के साथ विस्फोट करती है। ठीक है, ओजोन तेज़ धमाके के साथ विस्फोट भी कर सकती है, क्योंकि वो क्या हो रही है, वो क्या हो रही है, ध्यान देना बच्चों, ओजोन
और ऑक्सीजन में से स्थाई कौन है? ऑक्सीजन। तो ओजोन किस में जा रही है? ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, स्वतः होगी क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है। और अगर स्वतः ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, और ये कैसे ऊष्माक्षेपी, मतलब एक मोल का कन्वर्जन कर दिया तो 142 किलोजूल एनर्जी उत्सर्जित कर रही है। बहुत ज़्यादा सांद्रता में हमने ओजोन ले ली तो ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो क्या होगा बच्चों? होगा क्या? बूम, पटाखा चलेगा, दिवाली बन जाएगी वापस से, ठीक है। अच्छा देखिए, अपन ये बोल रहे हैं कि भैया ये कम स्थाई होती है, तो ये ओजोन, ओजोन जो है वो क्या कर सकता है? ओजोन जो है वो क्या कर सकता है? ओजोन जो है ये है कौन? O3 अपघटन पर, अपघटन, अपघटन से नवजात क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं बच्चों, हमेशा देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये वाला बड़ा वाला, इसके अंदर किसी भी परमाणु को लिखा है, जैसे ऑक्सीजन का भी नवजात बनता है, हाइड्रोजन का भी नवजात बनता है, क्लोरीन का भी नवजात बनता है, तो वो कैसा है? ये नवजात परमाणु होता है, तो नवजात ऑक्सीजन है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ओजोन क्या है? अपघटन होकर के किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखिए O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ये क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। तो ये जो आपको पूछ लेगा, आपको ऐसे पूछ लेगा कि भैया ओजोन क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों? तो आप ये बोलेंगे कि ओजोन स्थाई नहीं है और वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके दौरान क्या देती है? एक नवजात ऑक्सीजन देती है जो प्रबल ऑक्सीकारक है, और वो सल्फाइड को किस में बदल सकता है बच्चों? ये जो नवजात ऑक्सीजन है ना, वो सल्फाइड को किस में बदल सकता है? सल्फेट में बदल देता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सल्फेट में बदल देता है, और नवजात ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया है। समझ में आ रही है क्या बात? और इसीलिए ये नवजात ऑक्सीजन के कारण ही ओजोन कैसा है? ब्लीचिंग, ठीक है ना, जिसको आप ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं ना, ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक बोलिए, ब्लीचिंग के लिए बोलिए, तो इसके रूप में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे आप पार्लर के यहाँ जाते हैं तो फेशियल वगैरह करते हैं ना पार्लर, तो उसमें ओजोन यूज़ होता है, ओजोन जो है वो यूज़ होता है O3, और वो क्या करता है? नवजात ऑक्सीजन से जो चेहरे पे डेड स्किन है, डर्ट पार्टिकल्स हैं, गंदगी वगैरह है, उनको ऑक्सीकृत करके दूर कर देता है, ठीक है। तो ये है इस नवजात ऑक्सीजन का करामात, ये क्या कर सकता है? अच्छे अच्छों को, भले भलों को क्या कर सकता है? ऑक्सीकृत कर देता है। तो इसको देखना जरा, ये चीज़ बहुत काम की है, ठीक है। समझ में आई क्या कहानी आपको? ओके चलिए, तो अब अपन बात करते हैं आगे इसी के ऊपर, और आगे लेकर के इसको अपन चलते हैं, और वो चलते हैं एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार, उस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं, जिसको कहते हैं ओजोन का मात्रात्मक आकलन। पर पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों, क्या? ओजोन का मात्रात्मक आकलन, ठीक है, कि भैया आपको सैंपल दे दे और पूछ ले कि इसमें ओजोन की कितनी मात्रा है, ओजोन का मात्रात्मक आकलन। ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। क्या करते हैं? ओजोन को सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड इससे रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या देता है? आयोडीन देता है। क्या देगा? आयोडीन देता है, ठीक है। अब ये जो आयोडीन है ये क्यों दिया? क्योंकि यहां पर जो पोटेशियम आयोडाइड है उसमें से आयोडाइड का इसने ऑक्सीकरण कर दिया। किसने? ओजोन ने। क्यों किया? क्योंकि ओजोन क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों है? क्योंकि अपघटन के बाद में ये क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन देता है। अभी मैंने बताया थोड़ी देर में पहले आपको, है ना, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे अपघटन होगा और ये नवजात ऑक्सीजन देगा, वही इसको ऑक्सीकृत कर रहा है। समझ में आई बात? तो हमने क्या किया, ओजोन को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो आयोडीन दे देगा, है ना। इसमें क्या हुआ? आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हुआ। अब इसका क्या करना है? टाइट्रेशन करना है, ठीक है। टाइट्रेशन करेंगे किसके साथ में? सोडियम थायोसल्फाइड, ठीक है। अब ये जो आप यहाँ पे टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, अनुमापन की बात कर रहे हैं, ये हम किसके साथ कर रहे हैं? सोडियम थायोसल्फेट के साथ में कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाता है कि उसमें ओजोन कितना है। देखो जरा मैं इसको आपको समझाता हूँ। ओजोन की रिएक्शन हमने किससे करवा दी, KI से करवा दी है एंड H2O की प्रेजेंस में। तो ये क्या दे देता है, ये दे देता है KOH प्लस इसके साथ में आयोडीन प्लस O2। समझ में आ रही है आपको बात। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे बैलेंस, पुट इट ओवर हियर 2। ओके, दो यहाँ, दो यहाँ, दो दूना 4, 3 और 1 4। यस, इट्स बैलेंस नाउ। ठीक है, देखो यहाँ पे आयोडीन की स्टेट कैसी है, आयोडीन की स्टेट है I माइनस, मतलब -1 है, और यहाँ पे कैसी है 0। बताओ ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन, कम हो गई ना, कम हो गई या ज़्यादा हो गई, सॉरी कम हो गई या ज़्यादा हो गई ऑक्सीकरण अवस्था, ज़्यादा हो गई। देखो -1 से 0 पे चलेगी, ज़्यादा हो गई ऑक्सीकरण अवस्था, बढ़ना मतलब ऑक्सीकरण, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया है, इसका ऑक्सीकरण हो गया प्यारे बच्चों। किसने किया, ओजोन ने कर दिया है। ठीक है, तो ओजोन ने इसको ऑक्सीकृत किया। तो यहां देखिए एक ओजोन है, एक ही ओजोन है ना, वन एक मोल, और इसका भी एक मोल है, तो एक मोल ओजोन से एक मोल आयोडीन बना है। अब इस आयोडीन को क्या कर रहे हैं, थायोसल्फेट के साथ अनुमापन करके इसकी मात्रा निकाल लेते हैं कि भैया ये कितना था, ये 5 मोल आ गया, मान लीजिए कितना आ गया 5 मोल। तो अगर 1 मोल से 1 मोल आयोडीन बन रहा था तो 5 मोल आयोडीन किससे बनेगा, 5 मोल ओजोन से बनेगा, है ना। समझ में आ गई क्या आपको बात। तो कैसे हमें क्या पता चल गया कि ओजोन कितना था, 5 मोल था। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओजोन का मात्रात्मक जो आकलन है कि कितना ओजोन है हमारे पास, वो कैसे किया हमने, ओजोन की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या दे रहा है, आयोडीन। इसमें मैंने बता दिया कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और वो आयोडीन को हमने क्या किया, सोडियम थायोसल्फेट के साथ अनुमापन, वो नहीं होता ब्यूरेट पिपेट से अनुमापन करते हैं, तो आप क्लियरली यहाँ पे पता कर सकते हैं कि आयोडीन कितनी है। तो आयोडीन का पता करते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल में ओजोन कितना था। ये है हमारे पास में इसके ओजोन का मात्रात्मक आकलन करने का तरीका, जिसको आप यूज कर सकते हैं ओजोन की मात्रा पता करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक सिंपल सी बात अपन और ये कह सकते हैं कि प्रदूषक जो होते हैं वो ओजोन का क्या करते हैं, ओजोन का अपक्षय करते हैं, ओजोन अपक्षय। ठीक है, प्रदूषक, प्रदूषक जो है जैसे NO, ये क्या कर सकता है, इसका अपक्षय कर देगा। कैसे करता है, ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो ओजोन थी, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है ना, वो कैसे होता है, प्रदूषकों की वजह से होता है, जिसमें एक नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है NO2 में बदल देता है, और ये अम्ल वर्षा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अम्ल वर्षा ये कहाँ से आता है, जेट वगैरह जो होते हैं ना, सुपरसोनिक हवाई जहाज वगैरह, उनसे NO प्रदूषक गैस निकलती है, वो ओजोन से ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा CFC जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके अंदर फ्रियोन गैस अपन लेते हैं, है ना, फ्रियोन 112, 111, 111 and 101, ये सब क्या होती है, 11, और ये सब क्या है, फ्रियोन गैस के अलग अलग रूप हैं, और ये भी क्या है, ओजोन से रिएक्ट करके उसके अपक्षय का एक कारण है। ठीक है, उसी से ओजोन में छिद्र होता है। अच्छा, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे ऐसे, ये लीजिए, ये है ओजोन का स्ट्रक्चर, और इसकी ये रेजोनेटिंग, इसको इधर कर दोगे तो ये रेजोनेटिंग, आपको बोल दी कि भैया ओजोन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप ऐसे बनाइएगा, ऐसे ये दोनों स्ट्रक्चर बनाना, ये ऐसे आपस में कन्वर्ट होता रहता है ओजोन, है ना, एक तो क्या है उपसे संयोजक आबंद, और एक डबल बॉन्ड करके ये ओजोन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में, जो होगा हमारा अगला वर्ग, जो है हमारा वर्ग नंबर 17 हैलोजन, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।